स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इंग्लिश बुक पढ़ेंगे जिसका नाम स्पॉटलाइट है। ये क्लास यूकेजी के बच्चों के लिए है। तो चलिए बुक खोलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर वन दिया हुआ है, आज हम लोग चैप्टर वन ही पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है माई फैमिली। माई फैमिली, मेरा परिवार, ठीक। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके। Ask your mother or father and write the answer. आप अपने माता और पिता से पूछ के इन सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मतलब हाँ, ये सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, ओके? पहले में लिखा हुआ है what is the name of your mother and father? आपके मम्मी का नाम और आपके पापा का नाम क्या है, वो यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मेरी मम्मी का नाम मिसेस साधना सिंह है, तो मैं यहाँ पे मिसेस साधना सिंह भी हूँ। और मेरे पापा का नाम मिस्टर अनिल कुमार सिंह है, तो मैं यहाँ पे मिस्टर अनिल कुमार सिंह भी, ओके? उसके बाद दिया हुआ है वेयर वॉज शी ही बॉर्न। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर वॉज शी ही बॉर्न, मतलब वो कहाँ पे जन्म लिए थे। तो मेरे पापा और मम्मी दोनों दरभंगा में जन्म लिए थे, तो मैंने यहाँ पे दरभंगा लिखा है। उसके बाद है हाउ ओल्ड इज सी और ही, वो दोनों कितने साल के हैं। मेरी मम्मी 40 है, मेरे पापा 45 है, ओके। फिर फोर्थ में लिखा हुआ है वॉट इज हर हिज फेवरेट फूड। आपकी मम्मी का पसंदीदा भोजन और आपके पापा का पसंदीदा भोजन, जो भी आप यहाँ पे आप लिखिएगा, ओके। तो मेरी मम्मी के पसंदीदा भोजन है राजमा चावल और मेरे पापा का है रोटी सब्जी, ओके। आपके अगर मम्मी पापा का आपको नहीं पसंद पता है फेवरेट फूड कौन सा है, तो आप अपनी मम्मी और पापा से पूछ के यहाँ पे आंसर लिखिएगा, ओके। अब स्टोरी दिया हुआ है, तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। आई एम रेयांस, आई एम 6 ईयर ओल्ड, I live in New Delhi with my family. मैं रेयांस हूँ, मैं 6 साल का हूँ, मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ अपने परिवार के साथ, ओके। देयर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं। दे आर grandpa एंड grandma. उनके घर में सबसे पहले हैं दादी और उनके दादाजी। दे आर मम्मी एंड पापा, उनके मम्मी और उनके पापा भी हैं। दे आर माई सिस्टर अमायरा एंड मी, और उनकी बहन और खुद वो रेयांस, ओके। माय फैमिली इज अ हैप्पी फैमिली, उनका परिवार जो है वो बहुत हैप्पी है। इसमें ये कह रहे हैं कि मेरा परिवार बहुत खुश है, ओके? उसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पे कन्वर्सेशन, मतलब बातचीत कर रहे हैं वो रेयांस अपने दादा और दादी से, तो उसके बारे में लिखा हुआ है। दिस इज माई ग्रैंड मदर, ये मेरी दादी है। हर नेम इज मिसेस किरण शर्मा, इनकी दादी का नाम मिसेस किरण शर्मा है। She tells me story. वो उन्हें स्टोरी समझाती है, सुनाती है। रियांस जो है उन्हें वो स्टोरी सुनाती है। उसके बाद उनके दादाजी जो हैं, उनके बारे में वो कह रहे हैं दैट इज माई ग्रैंड फादर, ये उनके दादाजी हैं। हिज नेम इज मिस्टर उमेश शर्मा, इनके दादाजी का नाम है मिस्टर उमेश शर्मा। ही टेक्स मी टू द पार्क, वो उन्हें वो रियांस को पार्क में ले जाते हैं। उसके बाद वो अपने मम्मी और वो अपने पापा से बात कर रहे हैं। रियांस बोल रहे हैं माय मदर इज अ टीचर, उनकी माँ जो है वो एक टीचर है, मतलब शिक्षक है। हर नेम इज मिसेस विनीता शर्मा, उनकी मदर का नाम है मिसेस विनीता शर्मा, ओके। उसके बाद लिखा हुआ है शी लव्स टू कुक, उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद है। फिर उनके पापा के बारे में वो बता रहे हैं माई फादर इज अ पेंटर, उनके पापा जो है वो एक पेंटर है। His name is Mr. Mohan Sharma, उनके पापा का नाम है Mr. Mohan Sharma. He loves drawing and painting, उन्हें drawing, painting करना बहुत पसंद है, मतलब वो figure बनाते भी हैं और उन्हें paint भी करते हैं। उसके बाद उनकी बहन से वो बात करते हुए बता रहे हैं This is Amira, वो यह Amira है। She is my little sister, ये मेरी छोटी बहन है। She is 3 years old, ये 3 साल की है। She asks a lots of questions. ये मुझसे बहुत से सवाल पूछती है। उसके बाद लिखा वो बोल रहे हैं I love my family. मैं अपने फैमिली परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। My family loves me. मेरा परिवार भी मुझसे बहुत प्यार करता है। तो चलिए अब हम इस स्टोरी का शॉर्ट में जानते हैं। इस स्टोरी में एक लड़का है जिसका नाम रेयांस है। रेयांस 6 साल का है और ये अपनी फैमिली के साथ न्यू दिल्ली में रहता है। इसकी फैमिली में टोटल 6 मेंबर्स है। तो चलिए इसकी फैमिली में जानते हैं कि कौन कौन रहता है। इसकी फैमिली में इसकी बहन रहती है, उसका नाम अमायरा है। उसके मम्मी पापा भी रहते हैं, उनके पापा का नाम मिस्टर मोहन शर्मा है और उनकी मम्मी का नाम मिसेस विनीता शर्मा है। उनके साथ उनके ग्रैंड पा और ग्रैंड मदर भी रहती है। उनके ग्रैंड
शर्मा और उनकी ग्रैंड मदर का नाम है मिसेस किरण शर्मा और ये सारे मिलकर एक साथ न्यू दिल्ली में रहते हैं। रियांश अपने फैमिली से बहुत प्यार करता है और उसकी फैमिली भी रियांश से बहुत प्यार करती है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उससे आपको मिल जाएगा और हाँ आपको व्हाट्सएप पे भी इससे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप अपनी नोटबुक पे लिखिएगा तो सबसे पहले इन सारे वर्ड मीनिंग जितने भी मैंने आपको बताएंगे इस पीडीएफ में आप इन सारे वर्ड मीनिंग को सबसे पहले अपनी नोटबुक में लिखिएगा, उसके बाद ये सारे क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। थैंक यू।